जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दक्षिण एशिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सारे MCQs वाले डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना, ठीक है बच्चों? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मालदीव एक गणतंत्र कब बना, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1965, ऑप्शन 2 1966, ऑप्शन 3 1967, ऑप्शन 4 1968। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1968 में जो है मालदीव एक गणतंत्र बना था, ठीक है बच्चों? चलिए प्रश्न नंबर 2, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी संधि और कब हुई है, हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन 1 1960 में सिंधु जल संधि, ऑप्शन नंबर 2 1996 में फरक्का संधि, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 1996 में फरक्का संधि हुई थी, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर हुई थी, ठीक है बच्चों? और 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है? किसके बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है बच्चों? आई होप आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ, हमें ये बताना है। तो कारगिल युद्ध बच्चों हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 1999 में हुआ था। और इसके तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने? ऑपरेशन विजय, ठीक है? ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध के समय, ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर 4, भारत और सोवियत संघ ने कितने वर्षों के लिए मैत्री संधि की थी, ठीक है? कितने वर्षों के लिए मैत्री संधि पर क्या किए, दस्तखत किए थे, हमें ये बताना है। तो दो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 10 वर्षों के लिए, ऑप्शन 2 30 वर्षों के लिए, ऑप्शन 3 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन 4 40 वर्षों के लिए। तो भारत और सोवियत संघ ने जो मैत्री संधि करी थी बच्चों वो 20 वर्षों के लिए की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए ये कब करी थी, तो 1971 में करी थी, ठीक है बच्चों? चलिए प्रश्न नंबर 5, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के पीछे निम्न में से कौन से कारण, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 सेना, ऑप्शन 2 धर्मगुरु, ऑप्शन 3 भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो कारण है उपरोक्त सभी कारण है, सेना, धर्मगुरु और भू अभिजनों का जो सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण से जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं बन पाता है। कभी लोकतंत्र आता है तो कभी क्या जाता है, सैनिक शासन आ जाता है बच्चों, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6, 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज क्या है, पूर्वी बांग्लादेश है आज के टाइम पर, ठीक है बच्चों? तो पूर्वी पाकिस्तान में किस पार्टी को सभी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 आवामी लीग, ऑप्शन 2 कांग्रेस, ऑप्शन 3 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आवामी लीग, जिसको पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर 7, बांग्लादेश में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों। जो बांग्लादेश है वहां पर क्या अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर 8, 2002 में नेपाल में किस पार्टी के द्वारा अहिंसक नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 7 पार्टी अलायंस, ऑप्शन 2 मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन 3 कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों 7 पार्टी अलायंस, ये कहाँ की पार्टी थी, नेपाल की, ठीक है बच्चों? और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है कहाँ की है, मालदीव की, ठीक है बच्चों? कांग्रेस भारत में थी, ओके। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण एशिया से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है, हमें ये बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पर लोकतांत्रिक शासन आता है, तो कभी सैनिक शासन आता है, ठीक है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल संधि की हिस्सेदारी के बारे में समझौते पर दस्तखत किए हैं,
हाँ ये ठीक है, 1996 में क्या हुआ था, फरक्का संधि करी थी बांग्लादेश और भारत ने, ठीक है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के सार्क के 12वें सम्मेलन में हुए थे, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि चीन जो है दक्षिण एशिया का क्या है, सही नहीं माना जाता है, और ना ही अमेरिका, तो इनकी यहाँ पर कोई राजनीतिक भूमिका नहीं मानी जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें यह बताना है। ए, भारत ने डैश में बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे पर एक समझौता किया है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ कब किया था, तो 1996 में, 1996 में किया था, ठीक है, अगर कौन सा पूछा जाए तो फरक्का, ठीक है बच्चों। बी, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के लिए डैश समझौता किया गया था, तो साफ्टा किया गया था, ठीक है बच्चों, साफ्टा समझौता किया गया था, ठीक है। सी, 1960 में भारत पाकिस्तान ने डैश पर दस्तखत किए थे, तो 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर, ठीक है, सिंधु जल संधि पर किए थे, ठीक है बच्चों। डी, भारत ने डैश में और कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने डैश में परमाणु परीक्षण किया, तो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, ठीक है बच्चों, और पाकिस्तान ने चंगई की पहाड़ियों में किया था, ठीक है। इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल विवाद में किस देश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, हमें यह बताना है। सो बच्चों, ये ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर, ए यूएनओ, दूसरा अमेरिका, सी रूस, और चौथा है विश्व बैंक। तो बच्चों यहाँ पर देश नहीं होगा, क्योंकि ये विश्व बैंक जो है देश नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 4, विश्व बैंक जो है इसका आंसर होगा, ये देश नहीं है बच्चों, ये क्या है, संस्था है, ठीक है, विश्व बैंक क्या है, एक वैश्विक संस्था है, ठीक है बच्चों। तो इसने क्या किया था, मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 12, श्रीलंका से भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था, वो कब किया था, हमें ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1988 में क्या किया था श्रीलंका के भाड़े के सैनिकों ने, किस पर हमला किया था, तो मालदीव पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, भारत ने मालदीव को किन क्षेत्रों में मदद की है, हमें यह बताना है, तो पहला आर्थिक विकास के लिए, दूसरा पर्यटन के लिए, तीसरा मत्स्य उद्योग, और चौथा उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, भारत ने मालदीव को आर्थिक विकास के लिए, पर्यटन के लिए, और मत्स्य उद्योग के लिए क्या किया है, मदद की है आर्थिक, ठीक है बच्चों, मालदीव को आर्थिक विकास के लिए, पर्यटन के लिए, और मत्स्य उद्योग के लिए क्या किया है, मदद की है आर्थिक, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 14, निम्न का विस्तृत रूप लिखना, यानी मतलब इनकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, सार्क, लिट्टे, एसपीए, एमडीपी, साफ्टा और आईटीकेएफ, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए सार्क की जो फुल फॉर्म है बच्चों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसी प्रकार लिट्टे की जो फुल फॉर्म है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, और ये कहाँ था, श्रीलंका का एक संगठन है, कहाँ का है, श्रीलंका का, ठीक है बच्चों। ये किसने बनाया था, तमिलों ने बनाया था, ठीक है। SPA, सेवन पार्टी अलायंस, और ये कहाँ की पार्टी है, नेपाल की, ठीक है बच्चों। MDP, मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखना मालदीप लिखा हुआ इसमें, तो मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई। साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड समझौता है, एग्रीमेंट है, ठीक है बच्चों। IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, श्रीलंका में भारत ने अपनी शांति सेना कब भेजी थी, हमें यह बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1987, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी, और वापस कब आई थी, तो वापस आई थी भाई 1989 में, क्या आई थी, शांति सेना वापस आ गई थी, ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 16, भारत और नेपाल के संबंध सहयोगपूर्ण है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य के बताने हैं। पहला व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, दूसरा
साझे प्राकृतिक संसाधन, तीसरा बिजली और जल उत्पादन, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, व्यापार, वैज्ञानिक उद्योग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली और जल उत्पादन, ये सभी क्या हैं, सहयोगपूर्ण संबंध हैं किसके साथ, नेपाल के साथ, भारत के। प्रश्न नंबर 17, भारत तथा श्रीलंका के बीच में समझौता कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों 1987 ही जब क्या हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था, और इसी साल भारत ने क्या भेजा था, शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 18, श्रीलंका संकट के समय किन देशों ने मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई, हमें ये बताना है। पहला जापान और भूटान, नहीं। दूसरा भारत और चीन, नहीं। तीसरा नॉर्वे, आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश, हाँ। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सही। तो श्रीलंका संकट के समय इन्होंने क्या की थी, मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हो चुके हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 1947 और 48 में, ऑप्शन 2 1965 और 71 में, ऑप्शन 3 1999 में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो भारत ने अब तक की पाकिस्तान के साथ लगभग 5 युद्ध लड़े हैं, ठीक है, इन सालों में, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, दक्षिण एशिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको करवा दिए। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।